अब इसमें हमें भक्ति में बाधक क्या क्या चीज़ें हैं भक्ति में बाधक हैं हमें लोग दूसरों को देखम देखा विवाह पर खर्च करते हैं जिसके दो पुत्रियां होगी उसकी नींद हराम हो जाती है जब वो युवा होने लगती हैं इनके विवाह के लिए इसमें कुछ एक तो ऐसे लोग हैं कि कई कई लाख रुपए विवाह में खर्च कर देते हैं तो वो टेंशन उनको भक्ति नहीं करने देती फिर कोठी बनाने की होड़ लंबी कार लेने की होड़ तो ये इस ज्ञान से ये मन के जो फैलाव है ये कम हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा इच्छाएँ समाप्त हो जाएंगी और बेटी का विवाह बेटों का विवाह हमने बहुत सिंपल वे से करना चाहिए पुणात्माओं यदि आपने इस मार्ग पर सफल होना है सिद्धार्थ के एक एक वचन पर लक्ष्मण रेखा समझ कर आपने कार्य करना पड़ेगा और फिर आप पार ना वो गारंटी देता दास लिखवा के ले लो मुझसे इतना आसानी से पार अरे इन कार कोठिया के सिर में मारेगा सारी उम्र खोदी, दी इन कोठी बनाने उम्र कार खरीदने में अर्थ कल मृत्यु हो जा गधा बना फिर कुत्ता बने का हंडे सैर से पट्टे करता तो ये हमने ज्ञान नहीं था हम देख हम देखा लायक गए अब बच्चा जो है बचपन से कोई बुराई नहीं करता नब्बे प्रतिशत बुराई या जो भी क्रियाएँ हैं समाज से सीखता है अब देखा कोई बालक ऐसे सिगरेट पी रहा लंबी लंबी करके तो दूसरा भी शुरू करा है जबकि उसको एक्सेप्ट नहीं करता शरीर उसका पहली बार पीए नाख्या पानी आवे फिर लेके वो देख देखा फिर चाहे कुछ भी हो करना ही है दिखाना मैं भी पीता हूँ तो ये बकवादे छूट जाएंगी हम सबसे पहले सब बुराई हटानी पड़ेंगी फिर वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी जैसे मजदूर है बेचारा अब वो काम कर रहा है अब उसको टेंशन है कि दो बेटियाँ प्यानी है कैसे करूंगा उसे ये लाना है उसे ये लाना है ऐसे करूंगा कहाँ से पैसे लो और फिर जब तो ये समस्या परमानेंट हल हो जाएंगी कति और वैसे नहीं ये ज्ञान होगा जैसे आप किसी से दहेज लेते हो तो वो दहेज कोई वैसे थोड़ा ही है उसका पैसा आपके ऊपर ऋण हो गया हो अगले जन्म में मन मानो उसका गद अपन के देना पड़ेगा आपने परमात्मा कहते हैं तुमने उस दर का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा एक एक पाई का हिसाब करना पड़ता है माप तो हम क्यों सिर दर्द करें दो रोटी खानी दो कपड़े सारे साल में कुर्ते पजामी बस काम चल जाए तो इस प्रकार हमने इतना नॉर्मल होना पड़ेगा ऊंच विचार रखा भगवान में श्रद्धा बढ़ाए रखकर फिर भी कैसी वस्तु की आपको आवश्यकता हो होगी भगवान दूर नहीं जैसे कल आपको कथा सुनाई थी कि परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी एक झोंपड़ी में बैठ के और 120 वर्ष बेतागे चले गए 120 वर्ष और कपड़ा बुनते थे अपने हाथ से और उससे जो मैन ताना आता था उससे अपने परिवार का पोषण करते थे परिवार उनका अपना कैसा था एक मुंह बोले माता पिता थे दो जो कमल के फूल से उनको उठा कर लाए थे और एक पुत्र एक पुत्री थी जो मुर्दे जीवित किए थे एक दरिया में बहता हुआ जा रहा था शेख तकी एक धार्मिक गुरु था सिकंदलोधी राजा का उसकी उसको सोचा था कि शायद यूं ही मान ले उसने शर्त रख दी थी कि कबीर कोई मुर्दा जिंदा कर देगा तो मैं इसको अल्लाह मान लूंगा परमात्मा ने सोचा था यदि एक शेख तकी पूरे मुसलमान धर्म का वो हेड था भारतवर्ष का कि यदि इसकी बुरी ठिकाने आएगी तो सब मुसलमानों को कह देगा तुम भक्ति कर लो और इनके पास बढ़िया मार्ग है ये आए हैं उन्होंने इस सोच करके एक मुर्दा किसी ने बहा दिया था जल प्रवाह कर देते हैं कुछ कबीले उनको ना जलाते हैं ना दबाते हैं मिट्टी में तो वह सैकड़ों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने वो आत्मा धर्मराज से छुटवा के वापस के छोड़ इसको वापस पर जीवित कर दिया था और वो बच्चा फिर बारह तेरह वर्ष की उम्र का था वो कबीर साहब ने अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा था उसने आत्मा ने ज्ञान हो गया था कि हमारा पिता तो वास्तव में ये है ऐसे शेख तकी की लड़की थी सिकंदर लो के धार्मिक गुरु की वो कब्र में दबा रखी थी मर चुकी थी उसको फिर उसने दूसरी शर्त ये रख दी कि मेरी लड़की ने जीवित कर दे तो मैं मान लू वो लड़का तो सदमे में था वो तो जीवित ही था वैसे तुक्का लग गया इसका जब जानो मेरी पुत्री जो तो काफी दिनों से कब्र में दबी पड़ी है इसको जीवित कर दे कई हजारों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने कब्र फुड़ा के वह लड़की भी ऊपर से छुड़वा के धर्मराज से वापस जीवित करवा दी थी जब वो बेटी सामने आके खड़ी हुई परम पिता ने कहा जा बेटी तेरे पिता के साथ शेख तकी के साथ उस लड़की ने डेढ़ घंटा प्रवचन किए थे कि ये जनता वालों ये परमात्मा आए हैं मेरी तो तैयारी होगी थी पशु बनने की ये वहां से छुड़वा के लाई है मुझे और जीवित किया तुम भी आ जाओ शरण में तो उस बेटी ने कह दिया था मेरे को तो अपना पिता मिल गया जिसकी मुझे खोज थी वो अपने उस संसारिक पिता के साथ नहीं गई थी तो ये दो बालक थे वो भी बारह तेरह साल की वायु की थी लड़की और दो माता पिता थे तो उस परिवार का पोषण करके इसलिए दिखाया कि तुम ऐसे रहो यदि तुमने सतलोक जाना है और यहाँ काल की भांग पीड़ी है तो फिर यहीं रह जाओगे तुम्हारा नशा उतरे को नहीं मान बढ़ाई जमपुर जाई तुम होए रहो रो समदासा मान बढ़ाई में रहोगे तो काल के लोक में रहोगे मान बढ़ाई छोड़ के परमात्मा में श्रद्धा बढ़ा के ज्ञान को आधार बनाकर इस सफर को तुम तय करो बहुत आसानी से सफर तय होगा आपका और परमात्मा बहुत सहज मिलेगा